गाइस ये जो बारात जा रही है ये हमारा शूट खत्म करी जा भाई शूट खत्म हो गया है। अरे फ्लैश लाइट क्यों ना जल रही यार, गलत सीन आ रहा होगा, कोई बात नहीं, थोड़े काले लग रहे होंगे पर कोई बात नहीं, शूट खत्म हो गया है, वीडियो आ जाएगी कल अपनी YouTube पे, तो देखना, जाके प्यार देना बहुत सारा। एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई होप आप सब लोग अपने घर पे ठीक ठाक होगे, मजे कर रहे होगे। भाई अब आगे का सोचना शुरू करूंगा, मतलब पिछले तीन से चार दिन से मतलब ये समझ लो दिमाग मैंने ताला बंद करके और चाबी फेंक रखी थी डस्टबिन में, ये समझ लो। तुम कुछ भी ना काम कर रहा था, सिर्फ शूट 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 ये हो रहा था। बहुत भयंकर तरीके से वो मेहनत हुई है, रिजल्ट देखो तुम कैसा दिखाओगे, पर चीज़ बढ़िया बनी है, बता देना जैसा भी लगे तुम्हें। फिलहाल तो हम अपने अपने घर निकल रहे हैं सब लोग, ये देखो कैसे खड़े हैं सब, अपना घर जाने की उसमें है, फिराक में। तो करिए पटेला गाइस डांस कॉम्पिटिशन चल रहा था, बताइए करके दिखा एक्स्ट्रा तो कर जाते, इतना बेल डांस करा दो पैक अंदर, सुन बेल तू भी पूरी ले रहा आज के टाइम में। पटियाला ले इससे बड़े ऑफर ना मिलेगा भाई, नागिन ने खुद कह दिया कि तू नाग। अरे मैं कह रहा हूँ नागिन खुद कह रही है पटियाला तुम नाग बन जाओ, फिर भी ना बन रहा, इतना शर्मा रहा है भाई, सुधर का लड़का। जिम्मेदारियां क्या आई, मैं कह रहा हूँ ब्याह की जिम्मेदारियां क्या आई, सुधर गया लड़का। गाइज आपने अभी एक चीज बहुत भयंकर चीज मिस कर दी, एक बार दिखा दो तो दिखा दो अपनी भाई, जो ये पट्टी सी है ना, ये मम्मी साड़ी है, मम्मी साड़ी है ना, यो है साड़ी है भाई, ठीक है, जो ये पट्टी सी है यो कपड़ा जो है ये अलग था, ठीक है, और जो ये झूमर सी मम्मी ने लगा दी, ये मम्मी लाई थी दिल्ली से 40 रुपए की 18 झूमर, ये देख तू इधर देख, इंडियन के देखे। हाँ तो मैं बस बता रहा हूँ, अभी मम्मी ने ऐसे जोड़ दी, ठीक है, तो मम्मी ने पहले क्या करा, इस कपड़े पे सफेद कपड़े पे इस पे ये सिलाई मार दी इनमें, ठीक है, और अभी साड़ी के नीचे लगा दी मल्टी कलर, अपना ये साड़ी डिजाइन बना दिया। आप ये घर में बैठे बैठे अपने आप में सभ्यसाची हो रहे हो, क्या चक्कर भाई, तो सभ्यसाची कहीं ऊपर तो उतर कर रही है, तू मेरा शोरूम खुलवा ले, अगर जाए उसने फेल ना कर दू तो बता, तो आप खुलवा देंगे, इसमें क्या है भाई, सभ्यसाची ने फेल ना कर दू डिजाइनिंग में तो अपन बता दिए, ये बात तो कहनी पड़ेगी भाई, मम्मी देखना, और ऐसा लग रहा जैसे इसी का ही हो, देखो सबको सारे कलर से मैच कर दिया, मतलब है ना एक नंबर जुगाड़ बैठा दिया अपने, सुबह तो लग रही है, मैंने कहा यार मैं कर तो रही है कुछ, धड़ाधड़ आवाज तो आ रही है, बाद में मैंने दिमाग मारा, मैंने कहीं तो ब्लॉग में दिखाऊं मम्मी कारीगरी, मम्मी हट जाएंगी तो ये ऐसे ही नहीं, कैसे तो दो बार करने लगी सिलाई, अच्छा जी जो ये तो पक्की करी है, ओहो पहले इस कपड़े पे लगाई है, इस कपड़े पे तो अब इस पर लगा रही हूँ, क्यों लगा रही हूँ, क्योंकि निकलेंगी ना ये, अच्छा वरना तो डायरेक्ट लगा देते हैं, तो डायरेक्ट लगा देती भाई, वाह ये बात तो कहनी पड़ेगी, पक्का काम कर दिया है, सुबह तय फिर इसने क्या करोगे साड़ी का, मैं कब पहनोगे, पहन लूंगी मेरा मन करेगा जब, फिर भी तेरे चाक बात पे, अरे मैंने कभी चाक बात पे पहन लूंगी, चाक बात पे, चाक बात की रह कर है जो भी है तेले। तो पहले रह कर है तो जो भी है भाई, क्या नाम है, मैंने सोची मैं कभी मम्मी अपने ब्याह की शादी की तैयारी कर, शादी में वो पहनने की तैयारी कर रही है, वो पहन लूंगी अपने तैयार कर लूंगी, इसमें तो लहंगा बनवा दोगे, थोड़ी नया अदलाग लाएंगे आपको, हम खुद टाइम कुछ भी मेरा, बस टाइम की थोड़ी सी तंगी है, जो जो चीज मतलब ऐसा है कि सारी तैयारियां हो चुकी हैं शादी की, जो जो चीज मैं वही तो कह रहा हूँ, जो जो चीज मेरे भरोसे पे छोड़ रखी है बस वो लटकी हुई है, बाकी सब ओके है, और मेरे भरोसे पे कई सारी चीज छोड़ रखी है मम्मी ने, जैसे कि काम ही क्या, मैंने कपड़े तो लाने बस वो लगा तो वो तो एक दिन में एक भाई ज्वेलरी का क्या है, एक दिन गए किसी भी बढ़िया सी दुकान पे जाके, मैंने कहा भाई ये दे दो, एक ये सेट दे दो, एक ये सेट दे दो, होगा काम, लो इसमें क्या है, पैसे दो आप बस, कि फिर वो कहेंगे पैसे, मैं 20 लाख रुपए मम्मी तो मांग के ला रहा हूँ भाई, इतना सा काम है और करना ही क्या है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, मम्मी 2 घंटे में निपटा दूंगा ये वाला काम, तो बस मेरा कपड़ों का जो काम है ना मेरा वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मेरी समझ में नहीं आ रहे, बड़ी समस्या में फंस रहा हूँ बहुत ज़्यादा, मतलब सारी दुनिया जहान में देख लिया फिर भी ऐसा हो रही है कि कुछ और बढ़िया मिल जाए, कुछ और बढ़िया मिल जाए, वो वाला चक्कर फंस रहा है, अब देखूंगा लास्ट में हार फिर गए, मतलब वैसे तो देखो ऐसी बात है कि तुम्हें पता है अगर कुर्ते पजामा पहन लिए नॉर्मल से भी तो भी अच्छे लगेंगे, कोई ऐसा तो है ना कि भाई बुरे लगेंगे, पर मैं चाह रहा हूँ कि कोई ऐसी चीज़ निकल कर आएगी कोई बेहतरीन, कि भाई ओ ये क्या पहन लिया भाई, वैसी चीज़ हो जाएगी अंदर से, नहीं सही नहीं कह रहा हूँ मम्मी, बहुत सही कह रहा है भाई, जिंदगी में वो ओ होनी जरूरी है, तो वो नहीं चक्कर में कुर्ता पजामा पहनूंगी जो सगाई पे पहने थे, लेट्स सी जो भी रहेगा, क्या बात है भाई, काम चल रहा है, मम्मी ने अपनी साड़ी तैयार कर ली, दादरे अपने कपड़े लिया भाई, भाई तू लेकर आएगा, मैं मम्मी और क्या कर रहा है, इसके कपड़े भी मेरे भरोसे पे है, वो भी पहनेंगे,
लाना की है भाई जो तेने बढ़िया लगे ना तगड़ी चीज। नहीं मैंने दो चीज बढ़िया लगी अब तक, दोनों लिया हूँ। फंक्शन तो ज्यादा है पर मम्मी आवाज थोड़ी सी, छह फंक्शन है, 11 कपड़े चाहिए, 11 जोड़ी कपड़े चाहिए तुझे, तो 11 जोड़ी मैं ही लाऊंगा सारे ना, उसमें से पजामे में ले आऊंगा, तो उसमें अपने नाइट सूट वगैरह और हल्दी के मैं ले आऊंगा। तो मैं वही कह रहा हूँ, एक बार ये फाइनल कर ले कि भाई क्या क्या चीज तू ला रहा है, क्या क्या चीज मेरे को ला रही है ना मम्मी, बता दी मैंने तक। अरे तो कितने जोड़ी, मैंने कितने जोड़ी लाने, मैं ला रहा हूँ कुर्ता पजामा बस भाई, मैंने क्या बता तू पसंद कर रहे हो, 11 जोड़ी कपड़े चाहिए, सुन चार जोड़ी लाऊंगा मैं, 11 7 जोड़ी तू लिया, सात जोड़ी किसी हिसाब के लाऊं कि भाई बढ़िया तगड़े, अरे बढ़िया तगड़े ठीक है, सात जोड़ी साथ के साथ मैं कोट पैंट ले आऊं, सूट ले आऊं पूरे, तो वही तो कह रहा लिया पर अलग 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 लिया सारे साथ के साथ, किसी में कोई कोट पैंट से यार मैंने गंदे लगे, तो फिर साड़ी बनवा दो ले मम्मी की, साड़ी पहनो मम्मी तैयार कर दे दे बता दे भाई जो जो चीज जैसा तू अपने लिए लावे वैसे ले आइयो, बढ़िया बढ़िया शेरवानी ले आऊं साथ है मम्मी में दिमाग तेरा, शेरवानी ले साथ ला पैसे दे तू, 14 लाख रुपए दे साथ शेरवानी के, साथ ड्रेस के, साथ शेरवानी के 14,000 दे सकता हूँ मैं, तो कुछ तोड़ी तो मेरे काम में क्यों रोक रहा है, 14,000 मैं कह रहा हूँ 14,000 दे सकता हूँ, 14,000 दे सकता हूँ लास्ट, नहीं उससे एक रुपये ऊपर नहीं भाई, देखेंगे आज ले आऊंगा कुछ ना कुछ, तो आज 100% लेके जाऊंगा। गाइज ये आवाज सुन रहे हो तुम गाड़ी में, तो जो सायरन की आवाज आ रही है, मैं कोई सायरन नहीं बजा रहा हूँ, ये रुको बंद हो जा फिर बताता हूँ तुम्हें क्या पंगा हुआ है। ये भाई हमारे जतिन भैया जी की कारनामे है, वो क्या कर रहा है, उसने इसकी जो स्कॉर्पियो की जो चाबी है वो अपने साथ लेगा, ऑफिस पे बैठा हुआ है, और इसकी जो नकली चाबी जो पुरानी चाबी थी उससे वो अनलॉक तो हो नहीं रहा था, लेकिन वो चाबी ऐसे लगा के घुसा के ऐसे लेके आया हूँ, तो इस गाड़ी को लग रहा है कि अभी ये चोरी हुई है, नकली चाबी को लगा के लेके जा रहा है, इसलिए बीच में हर मतलब 3-4 मिनट में ऐसे चल जा रहा है, वो मतलब सायरन सब बजने लग जा रहा है फिर, और सारी गाड़ी वाले सोच रहे हैं कि मैं थोड़ी कुछ हवाबाजी कर रहा हूँ, सब मेरी साइड देखते जा रहे हैं कि कौन है दिन में ये सायरन वायरन सा अजीब सा सायरन हो रहा है, ऐसे चोरी चकारी टाइप का सायरन, देख फिर बज गया, देख भाई मतलब हर एक मिनट भी नहीं पकड़ रहा है, एक मिनट भी मतलब ये समझ लो क्लिप की 30 सेकंड की होगी, हर 30 सेकंड एक मिनट में फिर बज गया, फिर थोड़ी देर बंद हो जाएगा, मेरे को कहीं निकलना था अर्जेंट, मैं जैसा कि तुम टाइटल देख कर समझ गए होगे कि अपनी हबीबी से पहला एक रोड ट्रिप मारने जा रहा था, वो भी अकेले, पर इसे बंद होने तो फिर बताता हूँ। एक दिक्कत ये भी है कि बजता ज्यादा देर है, बंद कम टाइम के लिए होता है, तो चक्कर में लोग और न कर पा रहा, तो ठीक है भाई मैं एक बार चाबी ले लूँ फिर उसके बाद निकलते हैं, क्या नाम है फिर बताता हूँ, तो मैं कहाँ जा रहा हूँ, ठीक है बढ़िया जगह जा रहा हूँ, अकेले जा रहा हूँ वो अलग बात है, पर बढ़िया जगह जा रहा हूँ। ये देख लो गाइस चाबी ले गया, देख लो कैसे चोरन की तरह चल कर आ रहा है, देख रहे हो ठंड के चक्कर में भाई, ठंड बढ़ चुकी है, अब तो मैं दिखाता हूँ इस चाबी के हाल, ये देखो बंद करके, अब ये बताना निकालने पे भी करना लगेगा, देखो कैसी बीमार सी चाबी है, देखो ना इसकी हालत देख के ही, ये दांत में सायरन बजता आ रहा है, समझो कैसे क्या चक्कर है भाई, इस तरह बजेगा अच्छी बात है, चल ठीक है तो फिर मैं निकल रहा हूँ, कल आएगा तू, मैं आ लूँगा कल आ लूँगा, इसकी वो बनका गई प्लेट वलेट, नंबर प्लेट वो भी लग जाएगी भाई प्लेट भी, चलो इससे बढ़िया और क्या हो सकता है, हाँ ठीक है कोई दिक्कत ना, ठीक है चलो गाइस पेट्रोल डलवाने, अब बाबा पहले मांग लिया पेट्रोल, ये दिखा दी अभी तक ना चल रही थी, अब चलिए येलो लाइट। ट्रिप की शुरुआत होते ही हमारी हबीबी ने खर्चा करवाना शुरू कर दिया, ठीक है ये देख लो तुम, ठीक अभी तो चल ही रहा है मीटर, ठीक है ये कम से कम भी 4,000 तो जाएगा, क्योंकि खैर इतना भी कम ना है, क्योंकि अभी येलो हुई है तो इसमें 1,000-1,500 रुपए का तो पड़ा ही रहता होगा। एनीवेज गाइस जो अपना शॉपिंग का था वो थोड़ा सा डिले हो गया भाई, मेरे को लग रहा है मैं घोड़ी पे ना वैसे बैठूंगा, क्या नाम है जीन्स और वैसे टी शर्ट पहन के, और कोई दूसरा ऑप्शन दिख नहीं रहा, कपड़े मेरे बहुत सारे ना ले आया वैसे कपड़े, तो जैसे नॉर्मल कपड़े जैसे होते हैं जैसे ये पहन रखे टाइप के, तो कुछ खतरनाक भी पहन रखे, पर मतलब जो भी है ऐसे टाइप के मैं तो कपड़े ले आया हूँ बहुत सारे, लेकिन जो टिपिकल वो शादी वाले जैसे शेरवानी हो गई और एक जो सगाई के लिए जो इंडो वेस्टर्न हो गया या फिर रिसेप्शन के लिए जो सूट हो गया, ये चीज़ें जो मेन चीज़ें हैं ये सारी रहती हैं,
अब ये कब लाऊंगा मेरे को खुद समझ में ना आ रहा, पर ले आऊंगा। एक तो मैं ले आया एक सूट, तो वो तो मैं दिखाऊंगा जब मैं पहनूंगा, अब बताऊंगा तो मैं जैसे भी सीन रहेगा जो भी रहेगा सब कुछ बता दूंगा, पर एक ही लाया हूँ अभी तक। और मेरे को ऐसा हो रहा है कि मतलब बहुत सा, अब जब एक पहनूंगा ना जब तुम्हें दिखाऊंगा तो मतलब अगले व्लॉग में तुम्हें दिखाऊंगा तो उसमें देख के मेरे को बताना कि भाई कैसा लग रहा है। अगर वो तुम कहोगे बहुत बढ़िया लग रहा है तो भाई फिर मैं फिर तो समझ लो मेरी पसंद बढ़िया है और तुम्हारी मतलब हमारी पसंद मिल रही है। मतलब मैं ऐसा मतलब हर जगह देख लिया कुछ समझ में ना आ रहा यार, थोड़ा बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो रहा हूँ कि भाई क्या पहनूँ क्या ना पहनूँ, बहुत प्रेशर है दिमाग में। ये देख लो तुम भाई, हाँ बस भाई बहुत है, इतने ही पैसे हमारे पे। तो भाई कुछ भी कहो, सिद्धू मूसे वाला चीज ही थी जो बात है अभी, मतलब क्योंकि लंबा सफ़र था, 3 घंटे हो गए मेरे को लगातार चलते चलते, और अभी तो शायद 2 घंटे का और रह रहा है। तो गाने ऐसे चल रहे थे कई सारे, मतलब बहुत सारे गाने सुने, पर जैसे ही सिद्धू मूसे वाले को जितने भी गाने मैंने सुने ना भाई, एक एक चीज़ मतलब आज भी अब भी सुने तो ऐसा लगा कि मंदे टाइम में भी क्या सेट चीज़ गा रखी। गाइस दिस इज़ डे 2, गुड मॉर्निंग सबसे पहले तो। और भाई लैपटॉप रखा ठीक है, मैं तुम्हें एक चीज़ बता दूं, मैं यहाँ आया था उत्तराखंड वाली साइड, तो ये 2-3 जगह है मेरे को देखनी थी, अगर कोई प्री वेडिंग शूट कुछ करवाना हुआ मैं तो उसके लिए ठीक है। तो भाई रात को ना मैं वहाँ पे मतलब तुम्हें इस रिज़ोर्ट को अभी मैं फ़िलहाल हूँ जिम कॉर्बेट में, और यहाँ से जो जंगल सफारी जो होती है वो है यहाँ से सिर्फ 500 मीटर दूर, जहाँ से स्टार्ट जो मेन गेट होता है जंगल सफारी की, भाई इसके बाद तो तुम कुछ भी मिल सकता है, जहाँ पैदल अलाउड नहीं होता ठीक है, 500 मीटर दूर है सिर्फ। तो भाई क्या नाम है, रात को ना मैंने गाड़ी लगा दी पार्किंग में, इनकी पार्किंग है यहाँ पीछे थोड़ी सी आगे जाके मतलब पार्किंग है पूरी, तो वहाँ पे मैंने गाड़ी लगाई, और पार्किंग जहाँ जैसे गाड़ी लगाई ना तो ऐसे जगह थी, मान लो ये है, तो मैंने यहाँ पे ऐसे गाड़ी लगाई, और फिर ये ऐसे ये पेड़ से है मतलब एक तरह से इनसे आगे अलग जंगल है, दिख रहा है गैप दिख रहा है, ऐसे कुछ भी खाली जगह है मतलब ठीक है। तो यहाँ मैंने पेड़ के पास ऐसे गाड़ी लगाई, गाड़ी लगाती मैं जैसे उतरा ना, रात को शायद 1:30 या 2 बजे की बात है, और भाई उतरती भगवान कसम 1% झूठ नहीं बोल रहा, ऐसी आवाज़ आई जैसे जैसे मतलब कोई चीज़ अपनी साइड भाग गई और इनकी वजह से टकरा गई या रुक गई, ऐसे वो हुआ मेरे को फील हुआ ठीक है। अब हो सकता है कुत्ता हो भेड़िया हो शेर हो कुछ भी हो जाए ठीक है, ऐसा आया और वो थोड़ा वो था जोड़ सा रखा था तो ऐसा करके रुक गया ठीक है, वहाँ पे उसके आगे नहीं आ पाया ठीक है भाई, रुक गया। मेरे को लगा पता ना क्या कुछ सामान गिर गया होगा या कुछ ऐसे, मैंने थोड़ा सा ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया, मैं आराम से उतर के अपने रिसेप्शन की साइड गया, तो मैं अपने रिसेप्शन से अपने होटल के जो रूम तक जा रहा था, तो भाई रूम तक जैसे ही गया ना तो थोड़ा दूर था, तो जैसे पैदल जा रहा वो वहाँ पे मेरे को दिखी वो लोमड़ी फॉक्स ठीक है भाई, लोमड़ी दिखी अच्छी मतलब ठीक साइज़, मतलब ज़्यादा छोटी भी ना ज़्यादा बड़ी भी ना, ऐसे नॉर्मल सा साइज़ दिखा। मेरे को लगा कि कुत्ता होएगा, मैंने कहा यार होटल के अंदर लोमड़ी का क्या तो क्या ठीक है, मेरे को लगा कुत्ता है, तो फिर वो ऐसे देख के इधर चली गई थोड़ी सी आगे चली गई, तो मैं अपने रूम के अंदर जाने लगा, तो मैंने पीछे मुड़ के देखा भाई वो पीछे से ना ऐसा देख रही लोमड़ी, लोमड़ी वैसे शायद अटैक ना करती होंगी, डरपोक से रहती होंगी, डरपोक लोमड़ी बोलते हैं ना, हाँ डरपोक होती होंगी इसलिए अटैक नहीं करा कि भाई लंबा कुछ छोटा बालक हो तो शायद अटैक भी कर दे, पर उसने कुछ नहीं करा। मैंने देखा तो मेरी साइड देख रही वो लोमड़ी, मेरे को अंदर से हुआ मैंने कहा यार पूछूंगा इनसे सुबह ना कि क्या सीन है कि क्या हुआ। तो अभी मैं यहाँ से जब निकल रहा था चेकआउट कर रहा, मैंने कहा भाई क्या नाम है यहाँ पे कुछ वो भी आ जाते हैं, तो कह रहे हाँ सर फॉक्स आ जाते हैं कई बार, और कभी कभार वो भी आ जाते हैं भेड़िए भी आ जाते हैं छोटे मोटे, अभी यहाँ से थोड़ी थोड़ी आवाज़ आ रही है। मैं कहा भाई तुम कहाँ रहे, गलत जगह पर रुकवा रहे मेरे को, अभी मेरा ब्याह होने वाला कुछ दिन बाद, तुम जंगली जानवर से कटवाओगे क्या? तो भाई बहुत खतरनाक एक्सपीरियंस रहा, लेकिन ये जगह मेरे को पसंद ना आई ज़्यादा, क्यों ना आई वो बाद में बताऊंगा तुम्हें, फिलहाल मैं 2 दिन से इस चक्कर में व्लॉग और ना डाल पा रहा, तो इस व्लॉग को मैं खत्म करके अपलोड कर रहा हूँ। तुमने अगर यहाँ तक वीडियो देख लेते इसको लाइक कमेंट शेयर कर देना, चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और मेरे को कमेंट्स में बस इतना सजेस्ट कर देना कि प्री वेडिंग शूट जो होते हैं वो कहाँ बढ़िया तुम्हारे हिसाब से कोई बढ़िया लोकेशन, जैसे मैंने अभी तक सोचा है राजस्थान में या तो उदयपुर साइड, इंडिया से बाहर मेरा जाने का मन नहीं कर रहा प्री वेडिंग के लिए, अगर कहीं बाहर हो तो बाहर का बता देना, नहीं तो फिर इंडिया में कोई बढ़िया जगह हो तो प्लीज़ कमेंट कर बताना ठीक है। फिलहाल के लिए बाय बाय।